हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि CGL टीयर 2 कल हो चुका है, 11 सितंबर 2019 को, और एक पेपर कल है 13 तारीख को, तो उसके लिए स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो क्लास में मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेश्चंस मुझे स्टूडेंट्स ने भेजे हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने नेट से निकाले हैं, तो उन सारे ही इंग्लिश क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। ये 11 सितंबर 2019 के क्वेश्चंस हैं और ये टीयर 2 के क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश क्वेश्चंस हैं, इनको मैं डिस्कस करूंगा। तो इस पूरे वीडियो क्लास में मैं कुछ कल के लिए आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा, कुछ एडिशनल चीज़ें भी बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इसलिए प्लीज़ इस पूरे वीडियो क्लास को देखिए। देखिए, एक ये कट कॉर्नर आया है, ये शायद idiom में आया है। कट कॉर्नर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को ऐसे करना कि आपका पैसा बचे, मतलब कंजूसी से किसी चीज़ को करना, ठीक है। डू समथिंग परफंक्टरी सो एज टू सेव टाइम और मनी। देखिए, परफंक्टरी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है और कल के लिए ये इसको आप याद कर सकते हैं। परफंक्टरी का मतलब है कि बिना किसी रियल इंटरेस्ट के, बिना किसी जेन्युइन इंटरेस्ट के किसी चीज़ को करना, ठीक है, किसी चीज़ को कैजुअली करना, उसको हम बोलते हैं परफंक्टरी। तो कट कॉर्नर का मतलब यही है, और ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में आपको क्या मिला था। इसका मतलब ये है कि किसी भी काम को कंजूसी के साथ करना, कैजुअली करना, इंटरेस्ट के साथ नहीं करना, ठीक है। एक ये वर्ड आया है न्यूमेरी, NUMMARY, न्यूमेरी। कोई भी चीज़ जो कॉइन से रिलेटेड है या पैसे से रिलेटेड है या उसमें डील करते हैं आप, कॉइन कॉइन और मनी से जिसका रिलेशन है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूमेरी, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चंस आए हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं आए, और ये सारे ही क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर अपने सारे वीडियो क्लासेस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये वर्ड मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है, इसकी स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका सिनोनिम पूछा गया है इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल जिसको आप समझ सकते हैं, जिसको आप कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल इसका सही आंसर होगा, इंटेलिजिबल। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और कैटेस्ट्रॉफिक, कैटेस्ट्रॉफिक, देखिए कैटेस्ट्रॉफिक मतलब कोई भी आपदा या विपदा, उसको बोलते हैं कैटेस्ट्रॉफिक, कैटेस्ट्रॉफी हम बोलते हैं उसको। और डिजास्टर, डिजास्टर एंड कैटेस्ट्रॉफी, ये दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन इसका एडजेक्टिव फॉर्म पूछा गया है, कैटेस्ट्रॉफिक का होगा डिजास्ट्रस, ठीक है, विनाशकारी, आपदाकारी। मोनोटोनस, ये भी एडजेक्टिव है, मोनोटोनस, कोई भी चीज़ यदि ओबाऊ है, बोरिंग है या डल है, तो वो होती है मोनोटोनस। तो इसका सिनोनिम जो होगा वो होगा डल या बोरिंग, मोनोटोनस। तो ये तीन वर्ड सिनोनिम में आए हैं, इंटेलिजिबल, कैटेस्ट्रॉफिक और मोनोटोनस। और सिंपल वर्ड्स हैं, रेगुलर वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स नहीं हैं जो कि एकदम से अननोन हो या एकदम से रेयर हो, बिल्कुल रेगुलर वर्ड्स हैं। और ये पेपर जो आया है ये ऐसा आया है कि इसमें 95% तक आप स्कोर आराम से आप कर सकते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होता है? जो मानवतावादी होता है, जो परोपकार के काम करता है, उसको हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। बी फडल, मैंने काफ़ी बार पढ़ाया है इस वर्ड को, यूट्यूब पर ही पढ़ाया है। बी फडल का मतलब होता है कन्फ्यूज हो जाना, परप्लेक्स हो जाना, पजल्ड हो जाना, इसको हम बोलते हैं बी फडल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ इसका हो जाएगा कन्फ्यूज। ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम आया है, तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी, पेसिमिस्टिक का मतलब निराशावादी, ठीक है। ग्रीन फिंगर्स, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन थंब या ग्रीन फिंगर्स एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो गार्डनिंग में इंटरेस्टेड है, जिसको गार्डनिंग का शौक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और आपको idiom बता रहा हूँ, ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है एक अनुभवहीन व्यक्ति, एक सीधा साधा अनुभवहीन व्यक्ति, जिसको आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है, डिसीव किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हॉर्न। ग्रीन फिंगर और ग्रीन थंब का मतलब होता है जो गार्डनिंग में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। टर्न अ ब्लाइंड आई, आपने किसी की तरफ देखा और उसने ब्लाइंड आई आपकी तरफ टर्न किया, मतलब उसने आपको इग्नोर किया, टर्न अ ब्लाइंड आई, उसको हम बोलते हैं इग्नोर करना। और टर्न ए डेफ ईयर भी होता है, टर्न ए डेफ ईयर। देखिए आई का मतलब, आई का संबंध जो है वो देखने से है, और ईयर का संबंध सुनने से है। तो टर्न ए डेफ ईयर इसका मतलब है कि अनसुना कर देना, और टर्न ए ब्लाइंड आई का मतलब है कि इग्नोर कर देना, देखते हुए भी ना देखने का नाटक करना। एक ये आया है फिंगर इन ऑल पाइज, इसका मतलब है कि काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना,
बहुत सारी पाइज हैं, बहुत सारे पीसेस हैं या बहुत सारे काम हैं, उनमें उनमें इन्वॉल्व होना, फिंगर इन ऑल पाइज का ये मतलब है, इन्वॉल्व इन टू मैनी थिंग्स। ये एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आया है, हाउ यू फीलिंग नाउ, हाउ आर यू फीलिंग होगा ये, यहाँ पर आर आएगा इसमें, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। एक ये भी आया है क्वेश्चन इंप्रूवमेंट का, आई एम गोइंग टू द कनाडा एंड यूएसए, तो इसका हो जाएगा आई एम गोइंग टू कनाडा एंड यूएसए, यहाँ पर द आएगा, यूएसए से पहले द आता है, ठीक है, ये द जो है ये यहाँ पर आएगा यूएसए से पहले, कनाडा से पहले नहीं आएगा, यूके से पहले आता है, यूएसएसआर से पहले आता है, तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, एक ये नरेशन का क्वेश्चन आया है, मीना सेड शी लव्स मॉनसून, तो इसका हो जाएगा मीना सेड दैट शी लव्ड मॉनसून, मीना सेड दैट शी लव्स का लव्ड हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, मॉनसून ये हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल, कैटेस्ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफी की स्पेलिंग पूछी गई है, कैटेस्ट्रॉफी की, देखिए ऐसी स्पेलिंग्स जरूर पूछी जाती हैं जिनमें डबल लेटर वर्ड्स होते हैं, जिसमें एस और सी में कन्फ्यूज़न होता है, जिसमें बाय और ई में कन्फ्यूज़न होता है, तो ऐसे ऐसे लेटर्स आप जरूर याद करें, डबल लेटर वर्ड, ट्रिपल लेटर वर्ड, आई और ई वाले वर्ड, ई और आई वाले वर्ड्स, ठीक है। आई थिंक जो जो लाइक्स मी, ये नरेशन में या पैसिव वॉइस में आया है, तो नरेशन में यदि करें इसका तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही थॉट जो लाइक्ड हिम। और एक वर्ड आया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, कंड्यूसिव का मीनिंग क्या है, ये कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, कंड्यूसिव का मतलब होता है सूटेबल या फेवरेबल या एप्ट, ये आरसी में आया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आया है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं जो हिंदू आर्टिकल पढ़ाता हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए और बैंकिंग के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। She cannot wash my car due to her ill. Ill के आगे तो इसमें health ही आ सकता है, disease नहीं आएगा, disorder नहीं आएगा, तो health ही इसमें आपका सही answer होगा, ठीक है। एक antonym पूछा गया है lackadaisical, इसकी spelling भी काफ़ी important है, lackadaisical, lackadaisical का मतलब है जो जिसमें जिसमें energy नहीं है, excitement नहीं है, जो enthusiastic नहीं है, तो लैकडाइस्कल का हो जाएगा enthusiastic, एंटोनिम, एंटोनिम इसका हो जाएगा enthusiastic, enthusiastic इसका हो जाएगा। ये एक वॉइस का क्वेश्चन आया है, प्लीज़ गिव मी सम मोर टाइम टू कंप्लीट द असाइनमेंट, ये इम्पेरेटिव का एक सेंटेंस है, तो प्लीज़ गिव मी का मतलब हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मोर टाइम टू कंप्लीट द असाइनमेंट, ये इसका हो जाएगा, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, काफ़ी अच्छा ये सेंटेंस है। ये कुछ वन वर्ड आए हैं, पर्सन हु इज़ गुड एट क्लासिकल म्यूजिक, क्लासीफाइल इसको हम बोल सकते हैं, फियर ऑफ वाटर, पानी का डर, हाइड्रोफोबिया इसको बोलेंगे, वन हु इज़ नेवर सेटिस्फाइड, एक व्यक्ति जो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, इनसेशिएबल बोलेंगे इसको हम, इनसेशिएबल, समवन हु नोज दिस कॉन्वर्सेशन विल लीड टू एन आर्ग्यूमेंट, आर्बिट्रेटर बोल सकते हैं, लेकिन इसके ऑप्शंस मेरे पास नहीं है, ऑप्शंस में क्या मिला है तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आप लगा सकते हैं। स्टोइक किसको बोलते हैं, स्टोइक एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो उदासीन होता है, जिसके ऊपर पेन का और प्लेजर का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता, ठीक है, तो इसके लिए जो सिनोनिम्स हैं वो हो सकते हैं, हो सकते क्या हैं, इम्पैसिव, एपैथेटिक एंड स्टॉलिड, इम्पैसिव, अपथेटिक और स्टॉलिड, ये होंगे स्टोइक के सिनोनिम, स्टोइक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो उदासीन है, पेन और प्लेजर का इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं वर्ड्स। सेरिपेंडिटी, ये कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, सेरिपेंडिटी हम बोलते हैं चांस को या इत्तेफाक को या प्रोविडेंस को, ठीक है। फिलंथ्रोपिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन को बोलते हैं हम, जो मानवतावादी है, जो लोगों की सेवा करता है, पैट्रॉन को बोलते हैं। इम्पोवेरिस, इम्पोवेरिस गरीब व्यक्ति को बोलते हैं, पुअर से बना है ये, इम्पोवेरिस्ट, पुअर, ब्रोक, इंसॉल्वेंट, डेस्टिट्यूट, ये इसके लिए वर्ड हो जाएंगे, सिंपल वर्ड्स हैं। फ्लरिशिंग का एंटोनिम आया है, फ्लरिशिंग का मतलब आगे बढ़ता हुआ, उभरता हुआ, और डिक्लाइनिंग का मतलब नीचे जाता हुआ, तो फ्लरिशिंग का जो एंटोनिम होगा वो होगा आपका डिक्लाइनिंग, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स पूछे गए हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, टाइगर रिजर्व, सिंपल जो न्यूज़पेपर में आते हैं,
कोई भी आर्टिकल, तो उनको आप ज़रूर पढ़ें, उनसे डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। टाइगर रिजर्व के ऊपर एक आरसी है, अमेरिकन स्टडी ऑन एक्सरसाइज इसके ऊपर एक आर्टिकल है, स्टैंड अप कॉमेडी के ऊपर एक आर्टिकल है, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सिंपल सिंपल आर्टिकल्स ये पूछे गए हैं। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस के कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, आई डू नॉट सी आई टू आई, मतलब आई टू आई का मतलब होता है अग्री करना। जब आप किसी व्यक्ति से अग्री करते हैं तो उसकी आंखों में आंखें झांक के आप देखते हैं, तो आई टू आई का मतलब होता है एग्री करना। आई टू आई, सी आई टू आई का मतलब होता है एग्री करना। देखिए, निप इन द बर्ड का क्या मतलब है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। बर्ड हम बोलते हैं कली को, फ्लावर हम बोलते हैं फूल को, ठीक है। तो फूल बनने से पहले फूल जो रहता है वो कली के फॉर्म में रहता है, बर्ड के फॉर्म में रहता है। निप का मतलब होता है काटना, यहाँ पर ये लिखा है ना, निप, निप काटना या तोड़ना। तो फूल बनने से पहले ही किसी कली को आपने तोड़ दिया, इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है वो बड़ी नहीं हो पाई, और उसकी बिगनिंग में ही, उसकी इनिशियल प्रॉब्लम में ही, उसकी इनिशियल स्टेज में ही आपने उसको ख़त्म कर दिया। तो किसी प्रॉब्लम को उसकी इनिशियल स्टेज में ही ख़त्म कर देने को हम बोलते हैं निप इन द बड, ठीक है। काटना, निप माने काटना, बड माने कली। वंस इन ए ब्लू मून, ईद का चांद, कभी कभार कोई भी चीज़, कोई भी घटना कभी कभार जब होती है, दैट इज़ कॉल्ड वंस इन ए ब्लू मून। पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड का मतलब क्या है, कि अपना सबसे अच्छा स्टेप आगे बढ़ाना। पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अपना बेस्ट प्रयास करना। ग्रीन फिंगर्स में बताई चुका हूँ, ग्रीन हॉर्न में बताई चुका हूँ, ग्रीन हॉर्न इनएक्सपीरियंस व्यक्ति को हम बोलते हैं। इनकी स्पेलिंग पूछी गई है, देखिए, जिसमें सी और एस में कन्फ्यूजन होता है, जिसमें आई और ई में कन्फ्यूजन होता है, डबल लेटर जो वर्ड्स होते हैं ये सारे स्पेलिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्रोफेसी में सी आता है, प्रोफेसी। इलिटरेट में डबल एल आई टी ई आर ए टी ई आता है, इलिटरेट। एस्थेटिक, जो सौंदर्य से संबंधित है, ए ई एस टी एच ई टी आई सी, एस्थेटिक। तो इस तरीके से ये 11 सितंबर के क्वेश्चन हैं 2019 के सीजीएल टियर 2 के, ये क्वेश्चंस मुझे मिले हैं। और आगे यदि कुछ क्वेश्चंस मुझे और मिलते हैं तो उनको मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगा इस चैनल पर, इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। और कल जिन स्टूडेंट्स का पेपर है 13 तारीख को, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप अच्छा करें और डेफिनेटली सेलेक्ट हों। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो क्लास को एंड करता हूँ। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।